जब जब धरती पर तीर्थंकरों का जन्म होता है तो समूची सृष्टि आनंद विभोर हो जाती है और प्रकृति का कण कण खिल उठता है। यह बात चातुर्मास में विराजित आचार्य श्री प्रद्युमन विमल सुरेश्वर महाराज ने पालकी की समाप्ति के पश्चात शालीभद्र उपाश्रय में धर्म प्रेमियों को व्याख्यान में कही। उन्होंने कहा कि तीर्थंकरों के जन्म के साथ ही मानव कल्याण की शुरुआत हो जाती है और जीव मात्र के कल्याण के प्रति हर कोई आगे आ जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम मन की गहराइयों में साफ मन से प्रभु को विराजित करें और नित्य कर्म की ओर अग्रसर हों, तभी हम इस कुल को गौरवान्वित कर सकेंगे। इस अवसर पर आचार्य श्री की निशरा में श्री जैन श्वेतांबर विशा पोरवाल संघ द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी विशेष रुचि रखने वाले डूंगरपुर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खोड़िनिया का अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व नेमिनाथ मंदिर परिसर में पालकी में श्री जी को विराजित कर श्वेत वस्त्र धारण किए गए तथा अश्व पर धर्म ध्वजा थामे तथा 14 स्वप्नों के साथ भगवान की पालकी गाजे बाजे के साथ रवाना हुई तो पूरा वातावरण धर्म की जयकारों से गूंज उठा।